जामिया के स्टूडेंट्स ने जो रैली के तौर पर हमें निकाला, वो रैली निकाल के जामिया से थोड़ी दूर ही गए थे कि इतने में पुलिस ने लाठीचार्ज शुरू कर दिया। पुलिस से बचने के लिए स्टूडेंट्स जामिया के अंदर गए, सोचकर कि शायद वो हमारे सेफ लगा होगी ना, वहाँ पर सेफ रहेंगे, वहाँ पुलिस नहीं आएगी। लेकिन हमने देखा कि जामिया के अंदर वो घुसी, कैंपस में घुसी, जो स्टूडेंट्स लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ रहे थे उनको लाठीचार्ज किया। लाइब्रेरी के अंदर आंसू गैस गोले मार डाले गए, फेंके गए, और जो लाइब्रेरी की जो चीज़ें हैं, चेयर कुर्सी है, इनको तोड़ा गया। उसके बाद फिर बाथरूम में जो लोग होते थे, उन बाथरूम में जाके दरवाजा तोड़कर उन लोगों को पीटा गया, जो बेहोश हो गए तो वहीं पर छोड़ दिया गया। इतना बुरा हम देखते हैं जो पुलिस का रवैया रहा। उसके बाद गर्ल्स हॉस्टल में जाकर, गर्ल्स हॉस्टल में जहाँ लड़कियाँ बैठी कि हम यहाँ पर सेफ हैं, वहाँ पर जाकर उनका बाल खींच कर उनको पहले तो बाहर निकाला गया हॉस्टल से, उसके बाद फिर उनको वहाँ पर पीटा। हम देखते हैं कि जो रवैया रहा ये एक नफरत हम देख सकते हैं उनकी आंखों में, एक अलग संप्रदाय के खिलाफ। पुलिस ने कहा था कि सिचुएशन आपने ही बिगाड़ा और स्टूडेंट ने ही बिगाड़ा, ये क्या आप इसको कंडेम करते हैं? बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं था, हम स्टूडेंट्स बिल्कुल पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, कुछ भी उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया था जो वो जैसा पुलिस बोलती है। पीसफुल प्रोटेस्ट में उन्होंने अपने आप ही लाठीचार्ज शुरू कर दिया, और जिसके बाद ये अपना तकनी मच गई और स्टूडेंट्स भाग निकल गए। और एक बात आप जानते हैं कि जो जामिया मिलिया में जो हुआ है, जो सिचुएशन जो झमला हुआ था, उसके बाद कलकत्ता में, आप कलकत्ता कलकत्ता में सभी यूनिवर्सिटी लाइक जादवपुर यूनिवर्सिटी सभी ने आपका समर्थन किया, कैसा लगता है? बहुत ही अच्छी बात है कि पूरा देश एक साथ एक मुद्दे पर उठ कर आया है। इसमें दिखता है हमें कि आज भी हमारे देश की जनता और देश के जो छात्र हैं वो इतने जागरूक हैं, वो समझ सकते हैं कि हाँ षड्यंत्र है इस सरकार का, वो सफल नहीं होने देगी सरकार के षड्यंत्र को। बहुत ही खुशी की बात है कि सारे लोग साथ हैं। अभी सिचुएशन क्या है जामिया मिलिया का? यूनिवर्सिटी में अभी जामिया यूनिवर्सिटी बंद है, लेकिन उसके बावजूद आज भी जामिया के बाहर लगभग 2000 के नंबर में स्टूडेंट्स इकट्ठा होते हैं, वहाँ पे वो प्रोटेस्ट करते हैं और वहीं पर रहते हैं। लगभग 16-17 डेज हो गए हैं लगातार वहाँ पे थाउजेंड्स स्टूडेंट इकट्ठा हो रहे हैं रोज। और घटना घटी वहाँ पे स्टूडेंट्स 13 दिसंबर को स्टूडेंट्स वहाँ पे एक पब्लिक मीटिंग ऑर्गेनाइज करी थी, जिसके बाद एक रैली का कार्यक्रम था। वहाँ पे एक रैली हुई, रैली शुरू हुई कि थोड़ी देर बाद ही जो पुलिस ने बहुत ही बुरी तरह लाठीचार्ज किया वहाँ पे, और स्टूडेंट्स को बहुत पीटा और 300 स्टूडेंट्स को डिटेन करके ले गई। उसके बाद वो कैंपस में आई, कैंपस में टीयर गैस के गोले छोड़े गए, स्टूडेंट्स जो सामने कैंपस में दिखा उन स्टूडेंट्स को पीटा गया और अपने साथ वैन में भर के, अपने जीप में भर के वो डिटेन करके ले गई। लेकिन इसके बावजूद भी 14 दिसंबर को काफ़ी स्टूडेंट्स वहाँ पे इकट्ठा हुए कैंपस के अंदर ही, उन्होंने इसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया। उनको लगा कि हम ये प्रोटेस्ट आगे बढ़ाएंगे, और वो एग्ज़ाम का टाइम था, एग्ज़ाम्स भी थे स्टूडेंट्स ने डिसाइड किया कि हम बायकॉट करेंगे एग्ज़ाम, और ये सफल रहा। वहाँ पे उन्होंने बायकॉट का ऐलान किया, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेशन है जामिया का, उसने अपने आप ही एग्ज़ाम्स को पोस्टपोन कर दिया, और ये एक षड्यंत्र था ताकि स्टूडेंट जो थे जो बाहर से आए हैं, हॉस्टल में रहते हैं, दिल्ली में नहीं रहते हैं, वो बाहर चले जाएं और जो ये मूवमेंट है वो थोड़ा सा कम हो जाए। लेकिन फिर भी हम देखते हैं ये मूवमेंट कम नहीं हुआ, स्टूडेंट्स के हौसले नहीं टूटे। और ऐसे ही 15 दिसंबर की घटना तो आप लोग जानते ही हैं, उस दिन एक पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा था, स्टूडेंट्स का एक रैली निकली जामिया से बाहर निकली रैली, वैसे ही थोड़ी दूर ही रैली गई थी कि एक पुलिस लाठीचार्ज करती हुई आई, स्टूडेंट डिस्पर्स हो गए, वो इधर उधर भाग रहे थे बचने के लिए, लेकिन जो पुलिस थी
वो इतनी बेदर्दी से स्टूडेंट्स को मार रही थी, एक स्टूडेंट्स की आंख में लाठी लगी, उसकी आंख की रोशनी चली गई, बहुत सारे स्टूडेंट्स के हाथ पैर में फ्रैक्चर आए, बहुत चोट लगी। स्टूडेंट्स जामिया यूनिवर्सिटी के अंदर भागे ये सोचकर कि चलो बाहर हमें पुलिस मारेगी, लेकिन हम यूनिवर्सिटी के अंदर हैं तो शायद हम यहाँ पे सेफ हैं, लेकिन नहीं, वो पुलिस जामिया यूनिवर्सिटी के अंदर घुसी और अंदर घुसकर लाइब्रेरी में जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे थे उनको वहाँ पे पीटा। लाइब्रेरी के अंदर आंसू गैस के गोले छोड़े गए, लाइब्रेरी की चीज़ों को, टेबल कुर्सियों को तोड़ा गया और वहाँ पे स्टूडेंट्स को पीटा गया। उसके बाद बाथरूम में भी स्टूडेंट जो थे वहाँ पे बाथरूम तोड़ के पुलिस घुसी और उनको वहाँ पे मारा गया। সেদিনের যে ঘটনা বা পুলিশের বিরুদ্ধে যেটা অভিযোগ, সে কলকাতায় এসে পুরো ঘটনাটি আমাদের সামনে ব্যাখ্যা করলো, আমাদের দর্শকদের জানালো, পাশাপাশি কলকাতা সারা দেশের মতো কলকাতা ছাত্র সমাজও জামিয়া মিলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের পাশে দাঁড়িয়েছে, তাদের আন্দোলনের পাশে দাঁড়িয়েছে, তার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। আপনারা দেখতে থাকুন এখন বিশ্ববিদ্যালয়।